हेलो गाइस, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अब मैं चल पड़ा हूँ यहाँ से कोणार्क मंदिर से आगे, अब 8 किलोमीटर दूर है भुवनेश्वर से, जहाँ मैं जाने वाला हूँ। जगह का नाम है धौली। धौली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसका हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा पार्ट दिया गया हिस्ट्री में किसके बारे में, कलिंग वॉर, कलिंग युद्ध और सम्राट अशोक। आप जानते होंगे कि जो सम्राट अशोक हैं उनका अच्छे कामों में और कह सकते हैं लड़ाई में, इन सब में बहुत बड़ा हाथ रहा है, और हिस्ट्री में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाया जाता है इनके बारे में। तो ये दया नदी के नज़दीक पड़ता है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे इतनी बुरी तरह से वॉर हुई थी सम्राट अशोक की कि ये नदी खून से भर गई थी पूरी। तो इतनी सारी बॉडीज़ देखने के बाद, इतना खून देखने के बाद जो है सम्राट अशोक का यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ था, और बाद में जब उन्होंने बुद्धिज़्म अपनाया और उसके बाद उसे ही प्रीच किया ज़िंदगी भर। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह मानी जाती है सम्राट अशोक से और कलिंग युद्ध से रिलेटेड। इस जगह का मैं टोटल आपको बता दूं कि वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो 15 से 20 मिनट बहुत है आपके लिए, आप 15 से 20 मिनट में इजीली से एक्सप्लोर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक स्तूप है बुद्धिज़्म से रिलेटेड, ये जगह है, और साथ में एक शिव मंदिर है जहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल शिवलिंग लगा हुआ है। बट एक चीज़ जो मैंने वहाँ जाके ऑब्ज़र्व की वो ये थी कि वहाँ पे लोग आपको ज़बरदस्ती कुछ भी पूजा का सामान लेने के लिए बोलेंगे, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। बट एनी हाउ, आपकी जितनी श्रद्धा हो आप उस हिसाब से वहाँ पे पूजा ले सकते हैं, पूजा के लिए सामान ले सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ नहीं लिया। मैं डायरेक्ट गया भगवान के पास, मैंने हाथ जोड़े, अपना शीश तो झुकाया, मैंने जब हाथ जोड़े माथा टेका और वापस आ गया। तो बस हम यहाँ से सिर्फ पहुँचने वाले हैं एक्चुअली भुवनेश्वर में, उनमें ये बड़ी ब्यूटीफुल जगह पे है क्योंकि ये चोटी पे बना हुआ है और बहुत ही शानदार रास्ते से होके गुजरता है। आप देख रहे होंगे कि इसका फील बहुत सुंदर है। तो 15 से 20 मिनट में मैं पूरी जगह आपको एक्सप्लोर करके दिखा दूंगा, तो देखिएगा कि अगर आप यहाँ आते हैं तो आप क्या क्या देख सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा। थैंक यू। वेलकम बैक। तो अब हमारी हम थर्ड डेस्टिनेशन पे हैं आज की, ये धौली है। थोड़ा सा पहाड़ी पे चढ़े हैं, अब देखते हैं ऊपर जाके डिस्कवर करते हैं कि क्या है। तो अभी तक का सफ़र तो बहुत अमेजिंग रहा है, होप आगे भी अमेजिंग ही होगा। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। तो ये जो आपको बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही है लोगों की चिल्लाने की, ये शिव मंदिर के पंडित हैं जो आपको, मुझे ऐसा लगा कि बुला रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं लिटरली कि आप प्रसाद लेके जाओ यहाँ से, कुछ ना कुछ कहानी बना के, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसमें आपकी श्रद्धा है, आपको जितना भगवान के लिए लेना है उतना ही लेना चाहिए। बट एनीवेज मुझे शायद ठीक नहीं लगी ये चीज़। बट अब यहाँ से चलते हैं आगे बहुत स्तूप की तरफ, तो देखते हैं, वो जगह भी बहुत अमेजिंग है। सो स्टे ट्यून्ड, वीडियो पूरा देखना।
तो अगर आप काफ़ी बड़ी बस में आए हैं तो वॉल्वो या इस तरह की, तो नीचे काफ़ी बड़ी पार्किंग बनी हुई है जहाँ से आप वॉकिंग आ सकते हैं. वॉकिंग मुझे लगता है शायद आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे और इस जगह पे आप सामने निकलते हैं. तो मैं डायरेक्ट टेम्पो ट्रैवलर में आए थे तो ऊपर पार्किंग तक हम सीधे डायरेक्ट वहाँ तक आ गए. तो सेकेंड भी स्पॉट है, बहुत ब्यूटीफुल लगा मुझे, तो इसे इन्जॉय कीजिए. तो ये रहा सारा स्पॉट जो मैंने आपको दिखा दिया. आई एम श्योर आपको ये अच्छा लगा होगा. 15 से 20 मिनट में अच्छे से आप फ़ोटोज़ खींच के तसल्ली से इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं. और ख़ास यहाँ पे और कुछ नहीं है करने को कि मेजर शॉपिंग या कुछ, बस व्यू है बहुत सुंदर. सामने आपको पूरी सिटी दिखती है, सामने नज़ारा बहुत अच्छा है. सो बताना ये वीडियो कैसा लगा. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. अभी हमने जो देखा वो शिव भगवान का मंदिर धौली और साथ में स्तूपा, बुद्ध भगवान को डेडिकेटेड है ये जगह. आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत सुंदर है क्योंकि ये थोड़ा हाइट पे बना हुआ है, एक पहाड़ है उसके ऊपर बना हुआ है. और साथ में इधर उधर अगर आप चारों तरफ देखोगे तो बहुत सारी ग्रीनरी और पूरी चारों तरफ सिटी से घिरा हुआ और ग्रीनरी है. बहुत ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है. यहाँ हमें 30 मिनट का टाइम दिया गया था दर्शन के लिए कि 30 मिनट में वापस गाड़ी तक पहुँचना है. सो 30 मिनट्स में आप 30 मिनट्स के आपका 5-7 मिनट यहाँ लगेंगे मंदिर में. ज़्यादा लाइन नहीं थी शिव भगवान में. और जो स्तूप है बुद्ध भगवान का वहाँ तो आपको शायद 5-10 मिनट लगने वाले. 10 मिनट आप फ़ोटो खींच लीजिएगा तो 15 से 20 मिनट में आप ईजिली फ्री हो जाएंगे. जगह अच्छी है, ब्यूटीफुल है. सो मिलते हैं आप नेक्स्ट स्पॉट पर. Look what I've got. ये मुझे बहुत पसंद है बचपन से. तो मैंने ये लिया है. मैंने उसको, मैं पाइप बोला करता था इसको. फ्राइंस होते हैं ये, फ्राइड मुझे बड़े टेस्टी लगते थे यार.